गया तो सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दूंगा। मैं भी देख लूंगा बढ़ाया सामान फेंकने। शांत हो जाओ, क्या हुआ, क्या बात है? मैं अपना किराया अगले महीने दे दूंगा। इसका ये हर महीने का नाटक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, जब जितना मन पड़े दे देना। आपने बोल दिया यही बहुत है, ये पिछले महीने का किराया, बाकी का भी दे दूंगा। और इसकी स्कूल फीस? आप पढ़ लिख कर क्या तीर मार लेगी जैसे कि बड़ी कलेक्टर बनने वाली है? ये गलत बात है। बच्चों को हम भले ही धन न दे पाए पर ज्ञान जरूरी है। ये रखो, स्कूल की फीस दे देना। इस पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात दानवीर कर्ण है तो वह आप ही है मालिक। अच्छा चलता हूँ। आप हर महीने नए नए बहाने कैसे ढूंढ लेते हो? अगले महीने का बहाना भी है मेरे पास। कह दूंगा स्कूल की किताबें लेनी है। बहुत चालू हो आप। न जाने राजा के घर में इतना बड़ा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया। चैप्टर है। हाँ बेटा हिसाब बताओ। पापा अब तक 10 लोगों का किराया आना बाकी है। 10 लोगों के? पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हम किराएदार हैं और ये मालिक हैं। थोड़े दिनों में देखना हमें खुद किराया भरना पड़ेगा। इन लोगों की तो मैं। हे राजू। अरे रुक जा। क्या रे, मैंने सुना तुम किराए की बात कर रहे थे। हमारा रेंटल एक्ट भूल गए या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? हम यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, हमारे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। नौटंकी करने का हक सिर्फ हमको है। जो किराएदार 12 साल से ज्यादा रहे हैं उन पर ये कायदे कानून नहीं लागू होते। मालिक होने के नाते मैं अपना हक मांग रहा था, अगर ये न माने तो ये जो चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनसे कुछ मालिक कौन पता है यहाँ का मालिक कौन है? ऐसा इसने पूछने को बोला। कौन है मुन्ना? लगता है तू सीधा मंगल ग्रह से मंगलयान में बैठकर धरती पर आ टपका है। मूर्ख तू गंधर्व महल के बारे में क्या जानता है? प्रेतात्माओं से भरे इस घर के अंदर जाने की हिम्मत मैंने दिखाई। हनुमान जी की मूर्ति को महल के बीचों बीच किसने स्थापित किया? मैंने। अगणित हवन करके, पूजा पाठ करके, मंत्रोच्चार करके यहाँ से पिशाचों को किसने निकाला? मैंने, पंडित मूर्ति ने। लपेट लो, बहुत लंबी फेंकता है। लेकिन महल में असली रौनक तब आई जब महान महाराज शास्त्री जी ने इसमें अपने पैर जमाए और ऐसे जमाए कि अब तक जमे हुए हैं। इसके हाथ का खाना खाया तो लूज मोशन पक्का। अरे जब मैं यहाँ आया था तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था, मैं घबरा गया। भला वो हमारे बिरजू का जिसने महल को रोशनी से चकाचक कर दिया। 1, 2, 3 हाईलाइट वाली। इसकी वजह से 12 बार इस घर की वायरिंग बदलनी पड़ी। मैंने तो सिर्फ लाइट लगाई है, लेकिन हमारी सुषमा ने इस महल में पेंटिंग्स बनाकर और किताबें लिखकर इस भूतिया घर में नई जान डाल दी है। क्या एक से किताबें लिखी, चाबी गुल आजा अबुल, कौन बनेगा करोड़पति, भूत बंगले के अंदर चुड़ैल की सुहागरात, टकले के जेब में कंघा। अगर तुझे मुफ्त में इस घर में रहना है तो इन मुफ्त खोरों को यहाँ से फुटाना होगा। ये तो कुछ नहीं है, हमारा महल पहले बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अनजान था, लेकिन हमारे महाज्ञानी विनोद ने ऐसा कनेक्शन जोड़ा कि महल में केवल बाबा की एंट्री हो गई। बेचारा पहले से ही काला था, इतने धमाके किए कि अब तो जला बुरा कोयला हो गया। हम 5 पांडवों की कमेटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने ये इसलिए बनाई है ताकि साड़ा हक कोई छीन ना पाए। हम 5 जिंदाबाद, जिंदाबाद, 5 जिंदाबाद, 5 जिंदाबाद, 5 जिंदाबाद। ये ना हर 2 दिन में ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। सुनिए हमारी कहानी, इसलिए इस महल पर सिर्फ हमारा हक बनता है। अरे ये दूध पीता बच्चा है, इससे क्या बातें कर रहे हो? ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरे फ्लैशबैक के बारे में मत पूछ। तेरे फ्लैशबैक का क्या मैं अचार डालूंगा? सीधे सीधे बता तू है कौन। वो जानने के लिए तुम्हें मेरा फ्लैशबैक जानना होगा। चल तो फिर फ्लैशबैक ही बता दे। अरे यार मेरे फ्लैशबैक के बारे में मत पूछो। देखो देखो फ्लैशबैक बताने से पहले ही आपकी हालत खराब होती जा रही है, ना पूछो तो ही अच्छा है। बार बार एक ही रट क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं। इट्स ऑल राइट, ठीक है अब मुझे साफ साफ बता तू चाहता क्या है। सर मुझे किराए पर एक रूम चाहिए। मैं तुझे यहाँ यहाँ से पूछ रहा हूँ और तू वहाँ वहाँ बात कर रहा है। कमरा तो घर के मालिक से ही मांगना पड़ेगा ना। जेसी की इजाजत के बिना इस महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा सर ये एडवांस रखो। ऊपर एक बैचलर्स रूम है, तुम वो ले लो। फॉर आवर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बंदा जो घर में जा रहा है, अगर इस हीरो ने ज्यादा दिमाग का दही किया ना तो हमारी कमेटी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लौंडे को यहाँ टिकने नहीं देंगे, मंजूर है ना सबको? अरे वो बाल की दुकान बता कहाँ से आया है, नहीं तो दूंगा अंडर योर कान। व्हाट इज दिस प्लान, अभिमन्यु को भी महाभारत में धोने के लिए
इसी तरह घेरा था। अभिमन्यु को धोया नहीं था, मार डाला था। मर्डर? हाँ मर्डर, लाश तक का पता नहीं चलेगा। नहीं, मेरे साथ ऐसी डेंजर बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। पंडित से सवाल पूछते वक्त तुम्हारा डर कहाँ गया था? हाँ तो मुझे क्या पता था कि आप लोग गोल गोल घूमकर इस तरह डराएंगे। ये तो ट्रेलर है रे, असली पिक्चर अभी बाकी है। बस बस अब सिर्फ एक्शन होगा, मैंने फैसला कर लिया, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। डराओ मत, पहले मेरा फ्लैशबैक तो सुन लो। ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है। तू फ्लैशबैक बता, तेरी स्टोरी का दी एंड हम करेंगे। ये संसार 5 तत्वों से बना है। ये तो हमें पता ही नहीं था, पांडव भी 5 ही थे। जल्दी बकना वरना ये घंटी तेरी बजा देगी। मेरा लकी नंबर 5 है और लकीली तुम सब भी 5 ही हो। मुद्दे की बात कर यार। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। चलो तुम नंबर 1 है। 1 कौन है नंबर 1? कौन है नंबर 1? मेरे नंबर 1 होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसने ये तुम्हें कैसे दिया और तुमने ये कैसे ले लिया? ठीक है पंडित जी, आप नंबर 1 हो, तुम नंबर 2, तुम नंबर 3, तुम नंबर 4 और मैं नंबर 5। तू बकरी आ गई। लकी फेलो। थैंक यू। अपने अपने नंबर्स अच्छे से याद कर लो। अब वक्त है फ्लैशबैक में जाने का। मेरा नाम है खतरा और मेरा काम है खतरों से खेलना और मेरा एम है जान लेना। मैं काल हूं, काल काल काल। तुम्हें पता है ना कि मुझे फूलों से एलर्जी है, ब्लडी फूल। शैतान, दानव, राक्षस, ये सारे इस लड़के के आगे मानो फीके पड़ जाते हैं। एक बार किसी को मारने का फैसला कर ले तो उसे भगवान तक नहीं बचा सकता। गुस्से में आंखें जब लाल होती हैं तो मानो ज्वालामुखी फट जाता है, सामने वाले को पता भी नहीं चलता और यम उसके जिस्म से आत्मा निकाल ले जाते हैं। मांगने से कुछ नहीं मिलता लेकिन छीनने से सब कुछ मिलता है। तूने मांगा क्या था? मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लाश की खोपड़ी मांगी थी। तुम क्या जेल से भाग गए थे? नहीं। फिर क्या तुम पहले जैसे नहीं रहे? हाँ, मैं एक जालिम हैवान बन गया था। मुझे उसके बालों को संवारना था पर मतलब तुमने गुस्से में उसके बाल काट दिए? हमने बेकार में तेरे दिमाग के तार छेड़ दिए। छेड़े नहीं, उखेड़ दिए हैं। वैसे हमें तुम्हें जानने की जरूरत ही क्या है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे भी मम्मी की याद आ रही है। अस्त्र शस्त्र क्यों छोड़ दिए? नहीं नहीं, इन्हें अस्त्र शस्त्र मत कहो, ये तो हमारी रोजमर्रा की काम करने की चीजें हैं। हमें तुम्हारा स्वागत करना था तो हम काम छोड़कर आए थे, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अब खेल तो अभी शुरू हुआ है, आराम की बात कर रहे हो? खेल?
कौन सा खेल? जान लेने का खेल। लो ये पहन लो। गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। तुम पांचों के अलावा मेरे फ्लैशबैक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो नंबर बन जाएगा जीरो। इसका मतलब पंडित जी को गेम छोड़ के जाना होगा? सिर्फ गेम छोड़ के नहीं तो दुनिया छोड़ के भी। उसके बाद नंबर पांच बन जाएगा चार, चार बन जाएगा तीन, तीन बन जाएगा दो, दो बन जाएगा एक। जिसे मेरे बारे में पता चलेगा वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। कोई सवाल? बहुत सारे। अगर ये बात टीवी या पेपर में आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? तलवार चलेगी और खून बहेगा। अगर अब भी कोई सवाल है तो जाओ मेरी पोल खोल के दिखाओ। लेकिन जब तुम वापस आओगे तो इस मूर्ति का सिर धड़ से अलग होगा। जाओ बताओ। बेकार में क्यों फंसाता है बेटा? ये तो नादान है पर तुम तो समझदार हो। ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। नाउ एवरीबॉडी रिलैक्स। देखते जाओ अब क्या क्या होने वाला है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस फिल्म के मजे लो। स्वच्छ भारत अभियान एस्ट्रे। क्या बात है पंडित जी, ये गले में मेडल क्यों पहना है? ओलंपिक्स जीते हो क्या? चुपचाप अपना काम करो। कामकाज कुछ करता नहीं, बस कौए की तरह चोंच मारता रहता है। पंडित जी इसे छोड़िए, आप हेडलाइन पढ़िए सर। गले में ये मेडल देखकर हर कोई मुझसे सवाल करता रहता है। आप कहें तो मैं इस मेडल को अंदर छुपा लूं। मेरे पास इस मुश्किल का हल है। सिर काट देता हूं, पंगा ही खत्म। ना रहेगी गर्दन और ना रहेगा मेडल। किसी और के फटे में टांग क्यों उड़ाता है? ए नंदू। अरे मेरे राजा बाबू, नंदू आ गया। खुद से एक मूर्ति तो ढंग से बनती नहीं और सवाल जवाब में अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। अगली बार बकवास की तो तेरी। अरे देखो एक और मूर्ति आ रही है। जीती जागती मूर्ति। क्या मैडम, आप इस तरह ऑटो में क्यों आई? पहले बता दिया होता तो मैं कार लेके स्टेशन आ जाता। रुको मैं एक स्टूल लेके आता हूँ। परफेक्ट। हाउ डेयर यू टच मी पंडित। सर तुमने मूर्ति कहा था ना? सॉरी मैडम जी, मुझसे गलती हो गई, इनका कोई कसूर नहीं। हाय मॉम। हाय दी। कैसी हो बेटी? एकदम चकाचक। कैसे रहे? हाँ अच्छे हुए। चलो ये कौन है? कल ही यहाँ आया है, मुझे तो पहले शरीफ लगा था, सोचा नहीं था इस तरह हाथ मारेगा।